अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोल सर्किट के डायग्राम के बारे में बताऊंगा कि एक मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड किस तरह कंट्रोल करते हैं, इसका पावर कनेक्शन और कंट्रोल का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही नहायत ही अहम है, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा दोस्तों, इसको स्किप नहीं करिएगा दरमियान में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोलिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए। एक रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोलिंग के लिए दोस्तों दो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर चाहिए, दो पुश ऑन और एक पुश ऑफ स्विच चाहिए। ये तीन चीज़ों को मदद से हमने बनाना है। ये देख लें इसकी ड्राइंग, ये पावर ड्राइंग है दोस्तों। ये दो कॉन्टैक्टर हैं मैग्नेटिक, ठीक है। इसमें देख लें आप सीक्वेंस से रेड येलो ब्लू, आपने तीनों पॉइंट पे पावर पॉइंट पे सप्लाई पे रेड येलो ब्लू एक ही सीक्वेंस से आपने कनेक्शन कर देना है। लेकिन इसके जो आउटपुट है, आउटपुट से देख लें दोस्तों, यहाँ पर इसके सिक्वेंस चेंज है। ये देख लें रेड येलो ब्लू सिक्वेंस ये चेंज है, क्योंकि जब ये कॉन्टैक्टर लगेगा तो मोटर फॉरवर्ड वाइज चलेगा, जब ये कॉन्टैक्टर लगेगा तो मोटर रिवर्स चलेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ से फेस सीक्वेंस चेंज हो रहा है इसके। तो दोस्तों इसके लिए नहायत ही अहम है कि अगर एक कॉन्टैक्टर ऑन हो तो दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन ना हो, और अगर ये कॉन्टैक्टर ऑन हो तो ये कॉन्टैक्टर ऑन ना हो। इसके लिए इंटरलॉकिंग करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है इंटरलॉकिंग करना, वरना ये फ्लैश हो जाएगा, फेस टू फेस टकरा जाएगा ये। आप ये देख लें यहाँ पे फेस सीक्वेंस चूँकि चेंज है, अगर खुदा ना खाता ये कॉन्टैक्टर ऑन है और ये कॉन्टैक्टर अगर ऑन हो गया तो यहाँ पे फ्लैश होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसके कंट्रोलिंग जो करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि ताकि एक कॉन्टैक्टर एट ए टाइम ऑन हो, दूसरा ऑन ना हो। इसका सिंबल जो है देखें दोस्तों, इंटरनेशनल सिंबल जो है ये है, इस तरीके से है। ये देख लें ये C1 C2 के सीरीज़ में है और C2 C1 के सीरीज़ में कॉइल पर सप्लाई देते हैं इसके, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से ये है कि जब ये कॉन्टैक्टर ऑन है C2, तो C2 ने इसको यहाँ से ऑफ कर देना है, और अगर C1 ऑन है तो C1 ने यहाँ से इसको ऑफ कर देना है, ठीक है दोस्तों। और जब कनेक्शन जब करेंगे कॉन्टैक्टर में, हम किस तरीके से करेंगे वो देख लें दोस्तों। ये मैंने ड्राइंग यहाँ पर बनाया हुआ है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके कनेक्शन करके दिखाता हूँ, ये आप देख लें। सबसे पहले दोस्तों हमने एक कनेक्शन जो है वो हमने पुश ऑफ बटन पे करना है। सबसे पहले ये देख लें ये पुश बटन, मैंने वीडियो लेंथी ना इसलिए सर्किट ब्रेकर और ओवरलोड को मैंने स्किप कर दिया है। ये पुश बटन ऑफ पे देख लें दोस्तों, हमने ये कनेक्शन करना है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, ये देख लें ये पुश ऑफ पे हमने एक तरह लगाया। अब पुश ऑफ के दूसरे पॉइंट से दोस्तों ये पुश ऑन पे सप्लाई आना है, यहाँ पे ये दो दो तार लगना है। ये देख लें सीक्वेंस आप, ये देख लें दोस्तों पुश ऑफ के दूसरे पॉइंट पर मैं लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख लें पुश ऑफ पे मैंने दो तार लगाया, और ये पुश ऑन पे भी हमने ये दो दो तार लगाना है इस तरीके से, जिस तरीके से कनेक्शन पे मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए ये पुश ऑन स्विच है, ये पुश ऑन पे भी हमने दो दो तार इसी तरीके से लगाना है, एक एक पॉइंट पे पुश ऑन के। ये देखिए दूसरा पुश ऑन है, इसके भी एक पॉइंट पे हमने ये दो वायर लगाना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आप ये देख लीजिए, गौर से देख लें आप, ये पुश ऑफ पे हमने लगाया एक तार, और पुश ऑफ से फिर हमने इस तरीके से कनेक्शन करना जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लें एक तार इस पुश ऑफ पे, पुश ऑन पे, दूसरा इस पुश ऑन पे, और दोनों पुश ऑन से जो एक एक वायर आ रहे हैं दोस्तों, ये दोनों एक एक वायर जो आ रहे हैं पुश ऑन से, ये देख लें
ये पुश ऑन के यहाँ से जो आ रहे हैं इसके कॉन्ट्रैक्टर के 13 पे, और ये पुश ऑन के जो इसके आ रही कॉन्ट्रैक्टर के 13 पे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के 13 नंबर जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये 13 और 14 ओपन है, 21 और 22 क्लोज है, बीच के पावर है, पावर को हमने स्किप कर देना, हमने क्योंकि कंट्रोल के कनेक्शन करके आपको दिखाना। ठीक है, तो देख ले दोस्तों, ये एक पुश ऑन के जो एक वायर है ये हमने 13 नंबर पॉइंट पे लगाना है। कनेक्शन को बहुत ध्यान से समझें ताकि आपको कनेक्शन करते वक्त कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, ये एक पुश ऑन से मैंने एक 13 पे लगा दिया, ये देख लें आप, एक ठीक है दोस्तों, और ये दूसरा देख लें, ये दूसरा नंबर ओपन से मैंने ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर के 13 नंबर पॉइंट पे लगाना है, ये देख लें आप, पॉइंट नंबर 13 है ये। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपने ये देख लिया, ये हमने ये सर्किट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ये सर्किट यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक अब पुश ऑन के दूसरे पॉइंट से एक एक सिंगल वायर निकलना है, ये देख लें, पुश ऑन से एक वायर निकलना है, ये पुश ऑन से, ये कोई सा भी पुश ऑन के एक पॉइंट से मैं एक वायर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, ये पुश ऑन के दूसरे पॉइंट पे मैंने एक तार लगा दिया। ठीक है, ये पुश ऑन के दूसरे पॉइंट से लगाया, ये देख लें, ये 14 नंबर पॉइंट पे आना है इसके, ये देख लें, ये कॉन्ट्रैक्टर के 14 नंबर पॉइंट पे अपने एक तार लगाना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये 14 नंबर से एक तार लगाया हमने इस पर, और ये देख लें दोस्तों, ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, जो कॉन्ट्रैक्टर C1 के से लेके हमने ये C2 को नॉर्मली क्लोज पे 22 नंबर पे देना है। ये देखें, इसका ये 22 नंबर पॉइंट है, मैं यहाँ दे रहा हूँ इसके, ध्यान से देख लें कनेक्शन को। ये देख लिया दोस्तों अपने, मैंने इस पर यहाँ लगा दिया इसके, इसी तरीके से दूसरा तार लूँगा मैं, ये तार मैं दूसरा पुश ऑन पे लगाऊंगा, ये देख लीजिए दूसरा पुश ऑन। हाँ तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे एक पुश ऑन के मैं दूसरे पॉइंट पे एक सिंगल तार लगा रहा हूँ, ये सिंगल तार लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंथी है, लेकिन वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देख लें, ये दूसरे पॉइंट के मैंने ये 14 पे लगाना है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के, ये देख लें, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का मैं 14 नंबर पॉइंट पे लगा रहा हूँ, पहले कॉन्ट्रैक्टर पे मैंने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को 14 नंबर पॉइंट पर मैं लगा रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 14 नंबर पे लगाया, और ये इसी के साथ एक वायर और हमने लूप करना है, ये देखिए, ये लूप करना है ये वायर को, और ये देख लें, ये हमने इसके C1 कॉन्ट्रैक्टर के नंबरली क्लोज पे देना है, ये C1 कॉन्ट्रैक्टर है, इसके नंबरली क्लोज पे देना है हमने। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, ये हमने कंप्लीट कर दिया,
अब दोनों का नॉर्मली क्लोज से एक एक तार लेना है हमने, ये देख लें, इसके क्लोज से लेके हमने इसके कॉइल पे देना है और इसके क्लोज से लेके हमने इसके कॉइल पे देना है। ये देख लें, ये कॉइल है दोस्तों, ए और बी, ये देखें, ये कॉइल का पॉइंट है, ये पॉइंट कॉइल है, ये हमने दूसरे पॉइंट पे ऑलरेडी न्यूट्रल का तार कनेक्शन करके रखा हुआ है ताकि वीडियो लेंथी ना हो दोस्तों। ये देख लें दोस्तों, तो मैंने इसके 14 पॉइंट से ले रहा हूँ, नॉर्मली क्लोज के 21 नंबर से मैं ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एक तरह मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का भी 14 नंबर 21 पे लगाता हूँ, ये देख लें, ठीक है दोस्तों, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर पे मैंने लगा दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में कॉइल पे आना है, ठीक है। ये देखें, ये इसके कॉइल पे आएगा, इस कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल पे, ठीक है दोस्तों। इसके इसके नॉर्मली क्लोज से इसके कॉइल पे आना है, ये देख लें, इसके 21 नंबर पॉइंट से, ताकि एट ए टाइम एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन ना हो, इसकी वजह से हमने ये इंटरलॉकिंग कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा वायरिंग हो गया कंप्लीट। अब हम इसे पावर अप करके चेक करते हैं। ये मैंने न्यूट्रल पहले से कनेक्शन करके रखा हुआ दोस्तों, ये देख लें आप, ये न्यूट्रल को मैंने पहले से कनेक्शन किया हुआ है। ये दो हमारा बटन है, ये दो पुश ऑन है, एक हमारा ये पुश ऑफ है, ठीक है दोस्तों। ये मैं इसको पावर अप करता हूँ। ये हमारे पास सप्लाई है 220 की, ठीक है दोस्तों। ये मैं इसे न्यूट्रल देता हूँ पहले, ये देख लें, न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल दिया, ब्लैक के साथ, ये पॉजिटिव के साथ मैंने ये पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों एट ए टाइम में एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑन होना चाहिए, दोनों ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी मैं कोई सा ही बटन प्रेस करता हूँ, ये देखिए पहला कॉन्ट्रैक्टर हमारा फॉरवर्ड ये ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो रहा है, ऑन और ऑफ हो रहा है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन है तो ये बटन मैं प्रेस करूँगा दोस्तों, इस बटन प्रेस करने से ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक मैं ये कॉन्ट्रैक्टर को आप देखें, जब तक मैं ऑफ ना कर दूँ, जब तक ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन है दोस्तों तो ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑन नहीं होना चाहिए, ये देखें, ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। ये देख लें आपके सामने, मैं ऑन करूँ, ऑन नहीं हो रहा। जब मैं ये ऑफ करूँगा तो फिर ये ऑन होगा, ठीक है। ये इसकी इंटरलॉकिंग इसलिए करते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया, ताकि यहाँ पर सप्लाई आपस में टकराए ना जाए 440 और फ्लैश ना हो, ठीक है दोस्तों। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।